You know, that guy was so nervous. I told him, beta, you're going for an SSB. There's nothing to be worried about. You have worked hard in life. आपने अच्छी मेहनत कर रखी है. आपने सपने देखे हैं. Academic exam clear किया है. There's nothing to worry. But he kept on telling me that I'm nervous. I'm not feeling great confident. But luckily this phase lasted only 4-5 days. I think after that he became really really confident. उसको अपने आप पे काफ़ी भरोसा था. काबिलियत तो थी. आपने देखा है सामने उसने कैसे काबिलियत बढ़ाई थी अपनी. And he really worked hard. And I was so happy when I got that call. कि सर I've got through SSB. You know, those kind of moments are very special in our life. ये सारे पल जो होते हैं वो हमें इस पूरे प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो हमारी प्रक्रिया होती है उसको काफ़ी मतलब एक बहुत ही सेटिस्फैक्शन देता है. आई मीन वी नो दैट ही इज गोइंग टू वेयर यूनिफॉर्म आफ्टर 2 years, राइट? आई मीन बोथ ऑफ अस नो. एंड व्हेन वी स्टैंड नेक्स्ट टू हिम इन पासिंग आउट परेड, देयर इज नो हैप्पियर मोमेंट. उससे बेहतर कुछ है ही नहीं फॉर हिज पेरेंट्स, उसके लिए और हमारे लिए भी. सो आई मीन आई वॉज लाफिंग दैट डे एट माई हाउस बिकॉज ही वॉज नर्वस ऑन डे 1, ही वॉज नर्वस ऑन डे 2, ही वॉज इन डिलेमा ऑन डे 3. लेकिन जब 5 दिन का प्रोसेस उसका पूरा हो गया, वी आर वेरी श्योर दैट दिस गाय इज गोइंग टू मेक इट. सो दे आर ऑल गोइंग टू मेक इट. बट द प्रोसेस इज वेरी फन बिकॉज एक बच्चा अंडर कॉन्फिडेंट नर्वस उस स्टेज को क्रॉस करता है, काबिलियत डेवलप करता है और जेन्युइनली एक ऑलराउंडर बनता है. जब ये होते हुए दिखता है तो इट्स आई मीन दिस इज द बिगेस्ट थ्रिल ऑफ माई लाइफ एट प्रेजेंट. उससे बड़ा संतोष, उससे बड़ा स्माइल लाने वाला फैक्टर कुछ नहीं है यहाँ पे. दिस इज वॉट आई बिलीव.